अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा तालिबात, चलिए शुरुआत करते हैं द बॉय हु ब्रोक द बैंक। दीपचंद हु वॉज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन वॉज सो स्टार्टल्ड डैट हिज हैंड शुक एंड ही निक्ड हिज कस्टमर्स राइट हेयर। दीपचंद जो एक बूढ़े आदमी के बाल कट कर रहा था, वो इतना ताज्जुब में पड़ गया कि उसने एक कस्टमर के सीधे कान को ही काट दिया। निक्ड यानी कि स्लाइटली कट, यानी बहुत बारीकी से उसे कट लग गया। द कस्टमर यल्ड विथ पेन एंड डिस्ट्रेस, जो कस्टमर था, ग्राहक था, वो दर्द की वजह से कर रहा, पेन बिकॉज ऑफ द कट एंड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द अवफुल न्यूज़ ही हैड जस्ट हर्ड। उसके दो चीज़ों का गम हो गया था, पहला कि उसका जो कान है वो कट गया था, लेकिन दूसरा वो बुरी खबर, अवफुल न्यूज़ यानी बुरी खबर, ख़राब खबर जो उसने सुनी थी। विद वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशेवन, उसके गर्दन की एक तरह का हिस्सा जो है अभी भी शेव नहीं किया गया था। ही स्पेड अक्रॉस द रोड टू थ्रू द जनरल मर्चेंट्स स्टोर वेयर देयर वॉज अ टेलीफोन। वो बड़ी तेज़ी से भागकर जनरल मर्चेंट का स्टोर था अगली सड़क पर, सड़क के दूसरी तरफ पर, अक्रॉस यानी दूसरी तरफ, तो वहाँ पर गया। ही डायल्ड सेठ गोविंद राम्स नंबर, उसने सेठ गोविंद राम का नंबर डायल किया। द सेठ वॉज नॉट एट होम, सेठ घर पर नहीं था। वेयर वॉज ही देन, वो कहाँ पर था? लेकिन द सेठ वॉज हॉलीडे इन कश्मीर, यानी सेठ जो है कश्मीर में छुट्टियाँ मनाने गया था। ओ वॉज डैट सो, तो ऐसी बात है। द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट, बूढ़े आदमी को इस पर भरोसा नहीं आया। ही हर्रीड बैक टू द बार्बर शॉप एंड टोल्ड दीपचंद, और वो बड़ी तेज़ी से भागता हुआ वापस हज्जाम की दुकान पर आया और उसने दीपचंद से कहा, द बर्ड हैज़ फ्लोन, यानी कि चिड़िया उड़ चुकी है। अब ये यहाँ पर एक किस्म का मुहावरा है, चिड़िया उड़ जाना, इसका मतलब है कि दीपचंद भाग, ये सेठ गोविंद राम भाग गया है। सेठ गोविंद राम हैज़ लेफ्ट टाउन, सेठ गोविंद राम ने शहर छोड़ दिया है। डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स, और यकीनी तौर पर यह बात है कि बैंक डूब गया है। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप, और उसके बाद वो तेज़ी से भागता हुआ दुकान से बाहर आया, मेकिंग अ बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेक बुक, और उसने तमाम चीज़ें निकालना शुरू कर दिया। यानी वो सीधा बी लाइन, डायरेक्ट रास्ता उसका किधर था? ऑफिस की तरफ, और जाकर वहाँ से उसने चेक बुक ली। द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर, और ये जो खबर थी ये पूरे बाजार में जंगल की आग की तरह फैल गई। रैपिडिटी ऑफ फायर, फॉरेस्ट फायर यानी जंगल की आग की तरह फैलना। देखिए, जंगल की आग बहुत तेज़ी से फैलती है, उसी तरीके से यह खबर भी फैल गई। फ्राम द जनरल मर्चेंट्स टू इट ट्रैवल टू द शॉप, सर्कुलेटेड अमंग्स द कस्टमर्स एंड देन स्प्रेड विद देम इन वेरियस डायरेक्शंस टू द बेटर वीटल सेलर, द टेलर, द फ्री वेंडर, द ज्वेलर, द बेगर सेटिंग ऑन द पार्मेंट। अब जो खबर थी वो बड़ी तेज़ी से फैली, वो जनरल मर्चेंट से गई ग्राहकों के पास, ग्राहकों ने फैलाई उसे, फिर एक बीटल सेलर यानी एक सुपारी फरोश से, फिर वो दर्जी यानी टेलर के पास गई, टेलर से एक ठेला लगाने वाले के पास, वहाँ से जौहरी के पास, इवन जो भिखारी था, बेगर था, उसे भी मालूम हो गया। ओल्ड गणपत द बेगर हैड अ क्रूक्ड लेग, जो पुराना गणपत था यानी बूढ़ा गणपत था, उसका जो भिखारी था वो, और उसका पैर सीधा नहीं था, टेढ़ा था, क्रूक्ड यानी कि टेढ़ा। ही हैड बिन स्क्वैटिंग ऑन द पार्मेंट फॉर ईयर्स, और वो जो फुटपाथ था, पार्मेंट था, उस पर कई सालों से बैठा हुआ था। कॉलिंग फॉर आर्म्स, और वो भीख मांगा करता था। इन द इवनिंग, आर्म्स आमतौर पर मदद के लिए कहते हैं। इन द इवनिंग समवन वुड कम विथ अ बोरो एंड टेक हिम अवे, रात में कोई ना कोई आता था, उसे एक ठेला लेकर उस पर बिठा कर ले जाता। ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक, और सब जानते थे कि उसने वो चलना नहीं जानता। बट नाउ ऑन लर्निंग डैट द बैंक वॉज अबाउट टू कोलैप्स, लेकिन अब ये जो सुन कर के बैंक दिवालिया होने जा रहा है, गणपत एस्टॉनिश्ड एवरीवन, गणपत ने सबको हैरान कर दिया, एस्टॉनिश्ड हैरान कर देना। लीपिंग टू हिज फीट एंड एक्चुअली रनिंग एट टॉप स्पीड, और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और पूरी ताकत से भागने लगा। इन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक,
बैंक की तरफ। इट सून बिकम नोन डैट ही हैड 1000 rupees इन सेविंग्स। और जल्दी समझ में आ गया कि 1000 rupees उसके सेविंग्स में जमा थे, जमा कर चुका था। मैन स्टूड इन ग्रुप्स एट स्ट्रीट कॉर्नर्स डिस्कसिंग द सिचुएशन। आदमी खड़े हुए थे सड़कों के किनारे और इन हालात के बारे में बात कर रहे थे। पीपल नगर सेल्डम हैड अ क्राइसिस। पीपल नगर को सेल्डम, कभी कभी, शाज़ो नादिर, पीपल नगर में कभी कभी ही कोई किस्म के हादसा हो जाते, क्राइसिस आ जाते। सेल्डम और नेवर हैड फ्लड्स, कभी या कभी भी नहीं यहाँ पर सैलाब आते। अर्थक्वेक्स और ड्रॉट, या फिर यहाँ पर कोई क़हत पड़ जाता या फिर जलजला आ जाता। एंड द इमीनेंट क्रैश ऑफ द पीपल नगर बैंक सेट एवरी वन टॉकिंग एंड स्पेक्यूलेटिंग एंड रशिंग अबाउट इन अ फ्रेंजी। ड्रॉट, क़हत, अर्थक्वेक यानी कि जलजला, और अचानक से इमीनेंट क्रैश, अचानक से पीपल नगर का बैंक का बैठ जाना। एंड स्पेक्यूलेटिंग एंड रशिंग अबाउट इन अ फ्रेंजी, सब क्या करने लगे, बातचीत करने लगे और उस पर गुफ्तो शनीद करने लगे। फ्रेंजी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। सम बोस्टेड ऑफ देयर फार साइटेडनेस, और किसी ने दिखावा करना शुरू कर दिया। बोस्टेड यानी दिखावा करना शुरू कर दिया। ऑफ देयर फार साइटेडनेस, अपनी दूर अंदेशी का, फार साइटेडनेस दूर अंदेशी। कॉन्ग्रेचुलेटिंग देमसेल्स ऑन हैविंग ऑलरेडी टेकन आउट देयर मनी और ऑन नेवर हैविंग पुट एनी इन। अदर्स स्पेकुलेटेड ऑन द रीजंस फॉर द क्रैश, पुटिंग इट ऑल डाउन टू एक्सक्यूज इंडल्ज इन बाय सेठ गोविंद राम। बाद लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमने अपने पहले ही पैसे निकाल दिए। बाद बता रहे थे कि ये सब चीज़ें सेठ गोविंद राम का किया धरा है। इंडलजेंट टुक पार्ट इन समथिंग, यानी कोई बात फंसी हुई रहना। द सेठ हैड फ्लेड द स्टेट, कोई कह रहा था कि सेठ गोविंद राम ने रियासत छोड़ दी है। सेठ वन ही हैड फ्लेड द कंट्री, ने किसी ने कहा कि उन्होंने मुल्क छोड़ दिया है। सेठ अनदर, ही वॉज हाइडिंग इन पीपल नगर। सेठ थर्ड, तीसरे ने कहा कि वो पीपल नगर में ही छुपे हुए हैं। ही हैड हैंग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द टैमराइन ट्री, किसी ने कहा कि उन्होंने इमली के दरख्त से अपने आप को फांसी लगा ली है। सेड अ फोर्थ, एंड हैड बीन फाउंड दैट मॉर्निंग बाय द स्वीपर बॉय, और उन्होंने झाड़ू लगाने वाले लड़के से सुबह ने उस झाड़ू लगाने वाले लड़के ने उन्हें सुबह सुबह मुर्दा पाया या ढूंढ लिया। बाय नून द स्मॉल बैंक हैड गॉन थ्रू ऑल, और दोपहर तक इस छोटे से बैंक में तमाम चीज़ें हो गई। इट्स रेडी कैश, ऐसा जो रेडी कैश थी। एंड द हैरेस्ड मैनेजर वाज इन अ डिलेमा, और जो हैरेस्ड मैनेजर था बहुत ज़्यादा परेशान। डिलेमा, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, अ सिचुएशन विच मेक्स प्रॉब्लम्स, तो ऐसी हालत में जो मैनेजर था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था और कैश भी कम थी। इमरजेंसी फंड्स कुड ओनली बी ऑब्टेंड फ्राम अनदर बैंक, इमरजेंसी फंड्स का इंतज़ाम सिर्फ दूसरे बैंक से ही हो सकता था। सम 30 miles डिस्टेंट, जो 30 mile की दूरी पर था। 30 mile यानी कितना होता है, ये तकरीबन 50 kilometers की दूरी पर होता है। एंड ही वॉजन श्योर ही कुड परसुएड द क्राउड टू वेट अनटिल देम, और वो उसे यकीन नहीं था कि वो उस भीड़ को मना पाएगा। परसुएड करना यानी यकीन दिलाना, मेक सम टू बिलीव, कि उस भीड़ को यकीन दिला पाएगा कि वो इंतज़ार कर ले। एंड देयर वॉज नो वे ऑफ कॉन्टैक्टिंग सेठ गोविंद राम ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर, और कोई रास्ता नहीं था कि वो सेठ गोविंद राम से कैसे रब्ता करे, कॉन्टैक्ट करे, जो कश्मीर के हाउस बोट में थे। पीपल वर टर्न्ड बाय अबैक फ्रॉम द काउंटर्स एंड टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डे, और लोगों को कैश काउंटर से वापस भेजा जाने लगा और कहा जाने लगा कि वह अगले दिन आ जाए। दे डिड नॉट लाइक द साउंड ऑफ डैट, लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। एंड सो दे गैदर्ड आउटसाइड ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक शाउटिंग गिव अस आवर मनी और वी विल ब्रेक इन, और सब नारे लगाने लगे कि हमारे पैसे वापस करो वरना हम तोड़ कर अंदर आ जाएंगे। एंड फेच द सेठ, वी न्यू ही इज़ हाइडिंग इन अ सेफ डिपॉजिट लॉकर, और सब कहने लगे कि सेठ गोविंद राम को बाहर निकालो, वो सेफ डिपॉजिट लॉकर में छुपे हुए हैं। मिसचीफ मेकर्स हु डिडंट हैव अ पैसा इन द बैंक जॉइंड द क्राउड एंड एग्रीवेटेड देयर मूड, और जो मिसचीफ मेकर यानी कि जो बदमाश किस्म के लोग थे जिनका एक पैसा भी बैंक में नहीं था, वो भीड़ के साथ शामिल हो गए
एंड एग्रीवेटेड देयर मूड और उन्होंने भीड़ को गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया। द मैनेजर स्टूड एट द डोर एंड ट्राइड टू प्लेसेट देम और मैनेजर दरवाजे में खड़ा था और उनको तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। प्लेसेट स्टॉप समवन फ्रॉम फीलिंग एंग्री यानी उन्हें उनके गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा था। ही डिक्लेयर डैट द बैंक हैड प्लेंटी ऑफ मनी बट नो इमीडिएट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इट और उसने ऐलान कर दिया कि बैंक के पास बहुत पैसा है लेकिन अभी फौरी मैं जमा नहीं कर सकता हूँ। ही अर्ज देम टू गो होम एंड कम बैक द नेक्स्ट डे उसने दरख्वास्त की अर्ज यानी दरख्वास्त की लोगों से कि वो घर चले जाएं और दूसरे दिन आ जाएं। वी वॉन्ट इट नाउ किसी ने चिल्लाकर कहा कि हमें अभी चाहिए। नाउ 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 अभी 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 एंड अ ब्रिक हर्टल्ड थ्रू द एयर एंड क्रैश थ्रू द प्लेट ग्लास विंडो ऑफ द पीपल नगर बैंक किसी ने एक ईंट उठाई और उसे हवा में लहराकर फेंक दिया। जैसे ही वो खिड़की की कांच को लगी पीपल नगर बैंक की वो क्रैश होकर टूट कर गिर पड़ी। नाथू अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग नाथू दूसरी सुबह वापस आया टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक और वो बैंक की सीढ़ियाँ साफ कर रहा था। ही सॉ द रिफ्यूज एंड द ब्रोकन ग्लास एंड द स्टोन्स क्लटरिंग द स्टेप्स और उसने देखा कि जो कुछ भी वहाँ पर काठ का बाड़ पड़ा था कांच के टुकड़े पड़े थे उस सीढ़ियों पर। रेजिंग हिज हैंड्स इन अ गेस्चर ऑफ हॉरर एंड डिसगस्ट ही क्राइड और उसने गुस्सा और नफरत से सब चीज़ें देखा खौफ से देखा और कहा हूलीगन्स यानी कि बहुत ज़्यादा गुंडे सन्स ऑफ डोंकी गधे के लड़के या गधे के बच्चे। एज दो इट इजेंट बैड एनफ टू बी पेड लेट क्या बुरा होता थोड़ा लेट देरी हो जाती तो। इट सीम्स माई वर्क हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज इसका मतलब है कि मेरा काम अभी और बढ़ जाएगा। ही स्मोट द स्टेप्स विथ हिज ब्रूम स्कैटरिंग द रिफ्यूज और वो क्या करने लगा ही स्मोट मेड अ हेवी ब्लो विथ अ टूल वो ज़ोर ज़ोर से अपनी झाड़ू से फर्श पे मारने लगा सीढ़ी पर मारने लगा ताकि उसे साफ कर सके। गुड मॉर्निंग नाथू सेड द वॉशरमैन्स बॉय नाथू को गुड मॉर्निंग कहा वॉशरमैन्स बॉय यानी सीताराम ने गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल और अपनी बाइसिकल से नीचे उतरते हुए। आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ क्या तुम तैयार हो अगले महीने से एक नई नौकरी करने के लिए। यू विल हैव टू आई सपोज तुम्हें ज़रूर चाहिए होगा मैं ऐसा फ़र्ज की लेता हूँ। नॉट डैट द बैंक इज़ गोइंग आउट ऑफ बिजनेस अब तो बैंक बिल्कुल भी बिजनेस से आउट ऑफ हो रहा है यानी दिवालिया हो रहा है। हाउज़ डैट वो कैसे सेड नाथू नाथू ने कहा हैवंट यू हर्ड क्या तुमने नहीं सुना। वेल यू डू बेटर वेट हियर एंटिल हाफ द प्रोपोर्शन पॉपुलेशन ऑफ पीपल नगर अराइव्स टू क्लेम देयर मनी तुम इंतज़ार करो यहाँ पर उस वक्त तक के जब आधी आबादी पीपल नगर की आएगी अपने पैसे की डिमांड करने के लिए। एंड ही वेव्ड चीयरफुली ही डिड नॉट हैव अ बैंक अकाउंट एंड स्पेड अवे ऑन हिज बाइक साइकिल और उसने वेव्ड चीयरफुली खुशी से अपना हाथ लहराया इस बात का इजहार करते हुए कि उसका इस बैंक में कोई अकाउंट नहीं है और बड़ी तेज़ी से वो अपनी साइकिल पर चला गया। नाथू वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप्स मटरिंग टू हिमसेल्फ नाथू वापस अपनी सीढ़ियाँ झाड़ने के लिए चला गया। व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क जब उसने अपना काम ख़त्म किया ही सैट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप वो अपनी ऊपर की जो स्टेप थी उस पर जाकर बैठ गया टू अवेट द अराइवल ऑफ द मैनेजर और इंतज़ार करने लगा कि वो मैनेजर कब तक आता है। He was determined to get his pay और उसे यकीन था कि उसे आज उसकी तनख्वाह मिल जाएगी। Who would have thought the bank would collapse कौन सोच सकता था कि बैंक दिवालिया हो जाएगा। He said to himself वो अपने आप से बड़बड़ाया and looked thoughtfully into the distance और वो सोच कर दूसरी तरफ देखने लगा। I wonder how it could have happened मुझे ताजुब है कि ये सब चीज़ें कैसे हो गई। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब